नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय astromoneyguru.com आपसे मुखातिब होता हूं आज एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं स्वर्ण यानी सोना। सोना जिसके पीछे पूरा विश्व हमेशा से लालायित रहा, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो या एशियन कंट्रीज हो, चाहे हमारा भारत। भारत तो सोने के खान मानी जाती है। सोने का इसमें सर्वाधिक इंपोर्ट करने वाले चंद देशों में भारत का नाम शुमार होता है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एस्ट्रो इकोनॉमिक्स के माध्यम से गोल्ड में यानी सोने में उतार चढ़ाव की आने वाले कुछ महीने कैसे हो सकते हैं, क्या संभावनाएं गोल्ड में बनेगी, क्या गोल्ड बहुत तेजी की ओर अग्रसर होगा या फिर गोल्ड नीचे गिर जाएगा। दोस्तों, जब भी अनिश्चितताएं होती हैं, वॉलिटिलिटी होती है, अप्स एंड डाउन होता है और विश्व के अंदर जियो पोलिटिकल टेंशन या जियो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है तो सभी का ध्यान गोल्ड की तरफ अग्रसर हो जाता है। आज COVID-19 यानी कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे विश्व में फैला हुआ है। अमेरिका, यूरोप, एशियन सब कंट्रीज इससे बुरी तरह से परेशान और त्रस्त हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। इंडस्ट्रियल आउटपुट लगातार गिरावट है, लगभग नील की रिपोर्ट्स आ रही हैं। जीडीपी के अंदर बहुत भीषण परेशानियों की संभावनाएं और संकेत मिल रहे हैं। यूरोप, अमेरिका और इवन एशियन कंट्रीज, स्पेशली भारत के अंदर भी इस फाइनेंशियल ईयर को लेकर भी बड़ी चिंताएं दर्ज हो रही हैं और यूरोप और अमेरिका में तो माइनस की भी संकेत मिल रहे हैं। और जिस प्रकार सरकारी आंकड़े और विश्लेषण उपलब्ध हैं उसके माध्यम से हम बहुत ज्यादा आशान्वित इंडियन जीडीपी को लेकर भी नहीं है। दोस्तों, इन सभी परेशानियों के अंदर निवेशक कहां जाए? शेयर बाजार के अंदर कुछ कंपनियां जबरदस्त धमाल मचा रही हैं, इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन हजारों हजार कंपनियों के अंदर चंद कंपनियां तो लाभ कमा रही हैं, वो तो ऊंचा देख रही है, लेकिन बाकी कंपनियां बुरी तरह से परेशानी में हैं। तो दोस्तों, इस दशा के अंदर क्या संभावना बनेगी, आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। गोल्ड यानी यदि गोल्ड की हम हिस्टोरिकल हाइएस्ट प्राइसेस देखें तो 2100 का हाइएस्ट प्राइस गोल्ड ने लगाया हुआ है और अभी वर्तमान के अंदर $1772 $1775 के आसपास गोल्ड चल रहा है। गोल्ड ने अक्टूबर 2012 के अंदर भी $1279 का हाई लगाया हुआ है। दोस्तों, सोने के अंदर जब ये कुछ एक से सवा साल पहले $1100 था, तब भी हमने अपने शो के माध्यम से, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी निवेशकों को आगाह किया था कि दिस इज द करेक्ट टाइम फॉर बाइंग गोल्ड। और गोल्ड देखिए 1775 आज चल रहा है। तो दोस्तों, आगे क्या संभावनाएं बनेगी इसकी हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। यदि हम एस्ट्रो इकोनॉमिक्स की चर्चा करें तो 9 में से 7 ग्रह वक्री होने वाले हैं। 9 में से 7 ग्रह यानी टोटल 9 ग्रह, इसके अंदर सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते। वक्री मतलब ग्रह रिट्रोग्रेशन यानी सीधे से पिछली चाल यानी वक्र चाल। तो दोस्तों, यदि हम थोड़ा सा डिटेल में हम इसका अध्ययन करें तो जुपिटर ने 14 मई सन 2020 से 13 सितंबर तक ये वक्री रहेगा, रिट्रोग्रेटेड रहेगा। सैटर्न 11 मई सन 2020 से 29 सितंबर 2020 तक रिट्रोग्रेशन में रहेगा। मार्स 10 सितंबर से November 14, 2020 तक वक्र अवस्था में रहेगा। दोस्तों, शुक्र और बुध ऑलरेडी वक्री हैं। 9 में से 7 ग्रह और राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। तो दोस्तों, इस क्या ये इशारा कर रहे हैं? और देवगुरु बृहस्पति तो देखिए 30 जून सन 2020 से मकर राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे यानी रिट्रोग्रेशन के अंदर उल्टी चाल चलेंगे। शनि और देवगुरु बृहस्पति का आपस में संबंध लगभग टूट रहा है क्योंकि मकर राशि के अंदर शनि रहेंगे लेकिन देवगुरु बृहस्पति शनि का मकर राशि में साथ छोड़कर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे 30 जून को। ये क्या इशारा कर रहे हैं? दोस्तों, आने वाले लगभग 3 से 4 महीने के अंदर संभवतः
गोल्ड 50,000, 52,000 या 54,000 तक की ऊपर के स्तरों की संभावना बन सकती है। यदि हम वेडनेसडे को देखें यानी बुधवार को 48,589 का स्तर MCX पे देखा गया और हाजिर बाजारों के अंदर भी गोल्ड ने ऑल टाइम हाई लगाया। तो दोस्तों गोल्ड के अंदर नजर रखने का समय है, गोल्ड को निवेश करने का समय है और वॉलिडिटी और अनिश्चितताओं के अंदर संभवतः गोल्ड एकमात्र एक ऐसा निवेश बचा है जिसको आप सोच सकते हैं, नजर कर सकते हैं। ट्रेजरी बॉन्ड्स की यील्ड के अंदर भी, अमेरिकन बॉन्ड्स के अंदर भी एक सवालिया निशान लग रहा है। यदि भारत के अंदर भी आप देखें तो फ्रैंकलिन टेम्पलटन जैसी कंपनी के भी एक फंड बंद हो चुका है। तो निवेशक कहां जाएं? तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमारा सदियों पुराना जो निवेश का एकमात्र साधन या तरीका था गोल्ड, संभवतः हम उसी की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों आने वाले 2 से 3 साल यानी लगभग 24 से 25 महीने के आदि यदि हम नजरिया रखें तो गोल्ड मुझे $1,800 $1,900 तक जाने की संभावनाएं बन सकती हैं। यदि हम एस्ट्रोटेक्निकल्स की तरफ देखें तो गोल्ड का $1,790 का बहुत महत्वपूर्ण स्तर है, उसके बाद $1,830 और $1,890 ये लेबल्स आने वाले कुछ महीने या क्वार्टर्स के अंदर देखे जाने संभव हो सकते हैं। यदि हम निचला स्तर देखें, क्योंकि यदि आप किसी भी कमोडिटी के अंदर तेजी देख रहे हैं तो आपको सुरक्षा की दृष्टि से निचला स्तर भी आपको आइडिया होना चाहिए। $1,730 और $1,690 ये दो अहम नीचे के स्तर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम ये स्तर इस वर्ष नीचे देख पाएंगे। गोल्ड के अंदर तेजी बनी रहेगी, ग्रह ये इशारा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं ग्रहणों का भी प्रभाव गोल्ड पे पड़ने की संभावना है, सूर्य ग्रहण। दोस्तों ग्रहणों के ऊपर हमारा एक विशेष प्रोग्राम हमने ऑलरेडी रिले किया है, आप ग्रहणों के ऊपर भी हम आपके लिए विशेष चर्चा लेके आएंगे, विशेष सूचनाएं लेके आएंगे। एस्ट्रो इकोनॉमिक्स हमेशा आपको बाजारों में होने वाली हर हरकत हर हलचल का अग्रिम विश्लेषण कर आपको आगाह करता है, अलर्ट करता है, आपको सावधानी बरतने की सलाह देता है। दोस्तों देखते रहिए प्रोग्राम एस्ट्रो इकोनॉमिक्स एंड कमोडिटी एंड स्टॉक मार्केट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।